कि राजनीति में आदिवासी फैक्टर हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से आदिवासी जो सीट है वो सत्ता अब में बैठने की, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार किस पार्टी की बनेगी, उसको अमूमन तय करती रही है। 230 में से 47 सीट आदिवासियों की है। और राज्यपाल जब आदिवासी हो, मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनाए गए थे मंगू भाई पटेल, वे आदिवासी क्षेत्र हैं। नवसारी क्षेत्र है गुजरात का, वहां वे लंबे समय तक विधायक रहे हैं। जब तक वो नवसारी सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित थी, तब तक वे 5 बार वहां से विधायक चुने गए हैं, मंत्री रहे हैं, उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। तभी से जो राजनीतिक समीकरण आकलन किया गया था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए, आदिवासियों के बीच में यह संदेश देने के लिए कि भाजपा उनकी हितैषी है, आदिवासी राज्यपाल बनाया गया। और ये जो तय किया है पार्टी ने, लक्ष्य ने, हाईकमान ने जो तय किया था, उसको राज्यपाल मंगू भाई पटेल पूरा भी कर रहे हैं। हमने बीच में कई बार आपको जिक्र भी किया है, बताया भी है कि राज्यपाल पहुंचे हैं जनता के बीच में, खासकर आदिवासी जिलों में पहुंचे हैं। तस्वीरें आई थी, बकायदा सीहोर में पहुंचे थे, घाट पर बैठे रात में आदिवासियों के बीच में उन्होंने रात बिताई है, उनसे बात की है, उनकी समस्याओं को जाना है। और ये कहा भी है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों की समस्याओं को जानता हूँ। और आदिवासियों की समस्याएं जानने के लिए वे अलग अलग क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे भी है। यानी मध्य प्रदेश की जो आदिवासी राजनीति है उसको वे करीब से देख रहे हैं। खैर, ये भी देखा था राज्यपाल ने, आदिवासी जिलों से कलेक्टरों से रिपोर्ट मंगवाई थी कि आदिवासियों के हितों में क्या काम किया जा रहा है। ये तमाम जो मसले हैं कि राजभवन में बैठकर वे नजर रखे हुए थे कि सरकार की जो आदिवासी योजना है वे कितनी सफल है, क्या भाजपा सरकार आदिवासियों को मनाने में, आदिवासियों को अपने निकट लाने में सफल हुई है या नहीं हुई है। ताजा मामला यह है कि अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में प्रदेश के आदिवासी नेताओं को आमंत्रित किया है। जी हाँ, ये जो मूव है राज्यपाल का, जो आमंत्रण है, इसे भी राजनीति की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। जो खबर है कि राज्यपाल ने धार, झाबुआ, मंडला, बैतूल, डिंडोरी, शहडोल जैसे जो आदिवासी जिले हैं वहां से एक आदिवासी नेता और एक आदिवासी महिला नेता को, नेत्री को आमंत्रित किया है पूर्व संध्या पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वे मिलेंगे इन नेताओं से और चर्चा करेंगे आदिवासियों की राजनीति के, आदिवासी क्षेत्रों में विकास की स्थिति की। यानी राज्यपाल का जो राजभवन है वह सक्रिय है आदिवासियों को लुभाने के लिए। और अब जब राज्यपाल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आदिवासी नेताओं से मिलेंगे तो जाहिर है अब राजनीतिक समीकरणों की भी बात होगी। राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीति जिस तरह से व्याप्त है आदिवासी क्षेत्रों में, भाजपा की पकड़ है, कितनी नहीं है, किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो राजभवन एक बार फिर एक तरह से राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मध्य प्रदेश में बनता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस